यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी का वो पहनने की, फहरान पहनने की है? हाउ डेयर यू, यहाँ मैं पिघल गया, आज के बाद मत पहनना मेरी बीवी के कपड़े। हाँ इसमें स्वाति की पुरानी फोटो है तो ये एक्टिंग करके दिखा रहे कैसे फोटो है। करना एक बार, और ये इसमें ऐसा करते पहले ऐसे करते थे, ठीक है बचपन हाँ कीजिए। को एक सेकंड हैंड फोन चाहिए था, वो लेके आ गए। सेकंड हैंड नहीं लाया, मैं नया ही लेकर आ गया। नया? हाँ ये जो अबे नया है भगवान कसम। सो गाइस ये है फाइनली, अच्छा लग रहा है। और अंदर की फोटोज भी दिखाना, आज मैंने फोटोज और अंदर भी आज हमने हटो मुझे फोल्ड करना है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये देखो ये हो गया क्रीम। अब इसमें मैं रोल हो जाऊंगा, क्रीम रोल बन जाऊंगा ये इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे ये। अब मैं क्रीम रोल बन गया, अब मुझे खाओ, अब मुझे खाओ सब लोग ओ फंस गया, ये क्या कर रहा है? क्रीम रोल बन गया, क्रीम रोल बन गया। चलो खाते हैं, अब खाओ क्रीम निकालो इसकी क्रीम अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक विथ अनदर डे एंड विथ अनदर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8:30, अभी तो झाड़ू पोछा चल रहा है घर पे और आजकल यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, तो ये गए हैं टैंकर आया है कॉलोनी में किसी का, तो उनके पास नंबर लेने। स्वाति करेगी दिया बत्ती, क्योंकि अब मुझे वैलिडिटी मिल गई है। किसकी वैलिडिटी? पूजा करने की, 6 दिन नहीं करी ना। अच्छा सो अब हम करेंगे पूजा और आज मुझे दूसरे फॉलो अप में जाना है, क्योंकि पहले वाला फॉलो अप में डॉक्टर नहीं था, नहीं था पर बंद हो गया था, तो आज मैं थोड़ी जल्दी जाऊंगी। ये किससे बात कर रहे हैं? अब मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था शायद वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत ठीक स्टेबिलिटी आ गई है जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, बट अभी देखेंगे। और इसको देखो, सुबह सुबह मैं पुष्प लेके आई हूँ और इसको देखो कौन आया, डॉगी विच वन, इनको देखो सुबह सुबह। ये नहीं के क्या कर रही है, क्यों ले आए नंबर उसका? नहीं तो ओ बहुत दूर गया, अभी वापस जाएगा। हाय क्यूटी दीदी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं घूमने आ रही थी, मैं सोचा मिल लूं आपसे। लो खाने पीने का दे दियो। सो गाइस स्वाति तो जा रही है अपने फॉलो अप में, तो उससे पहले मैं बना देती हूं उसके लिए नाश्ता। और आज हम बना रहे हैं वैसे गौत भात, गौत उबल चुकी है, मूली का थिचवा बन चुका है। रोटी बना देती हूँ क्योंकि दाल भात बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको चाना है जल्दी क्योंकि वो बंद हो जाता है 11:30 में, उससे पहले उसको पहुँचना है वहाँ। तो हम पहले स्वाति के लिए नाश्ता बनाते हैं। आपके लिए बना दूँ नाश्ता? हाँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा। रोटी ना? हाँ। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है यहाँ पर अंजू बड़ौला जी के द्वारा, जो प्रीति सॉरी यहाँ पर अंजू प्रीति जी के द्वारा ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है। तो आपके हाँ आपके व्लॉग्स में देखता हूँ ना, लेकिन आपके व्लॉग्स में एक प्रॉब्लम है, आपके व्लॉग्स में कंटिन्यूटी नहीं है। मैं आपको जो बोलता हूँ स्टोरी जो बनती है वो बन नहीं पाती है, मतलब एक्शन मतलब एक स्पेस वाली बात नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब कंटिन्यूटी अगर होगी ना व्लॉग्स में तो व्लॉग अच्छे बनेंगे, कंटिन्यूटी में भी तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो गाइज ये मेरे दोस्त राहुल गांधी, इनका वीडियो कॉल आ चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं ब्रो? बढ़िया, तुम? बढ़िया बढ़िया, इनका भी मन नहीं लगता है सुबह शाम दिन रात ना ऐसे। क्या करता है भाई, कंफर्म देख लेना अभी। और बता क्या चल रहा है, और बता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कह रहा हूँ जी ने कॉल काट दिए शर्म के मारे कॉल काट दी उसने, शर्म आ रही बोला कुत्ता खराब मार चली। तो अरे रुको, पहले रोटी मत देना सीपा, ऐसा थोड़ा होता है पहली रोटी मत दो, पहले रोटी गाय को दे। कोई बात नहीं, गाय ने तो कुत्ते को दे दी, कौन तुम गाय को दे रहे हो यहाँ पहली रोटी? तुम कब से रुका है बाहर, नहीं चले ना जाए, बाबू पूछता कर देखता हूँ, वो इंतजार में ही खड़ा है अभी भी। डालो इसमें रोटी,
नहीं, ये रोटी डालेंगे हम पहली, कहाँ इतनी तीसरी चौथी रोटी बन चुकी है, इसको हम थोड़ा मैश करेंगे ऐसे, थोड़ा दूध डालेंगे, दूध डालो इसमें, ठंडा दूध है ना, तो वो बना बस, बस 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 इतना ही डालो, इसको मैश कर देते हैं थोड़ा इस पर, ऐसी रोटियाँ नहीं ठीक बनती हैं इतनी अच्छी, अब घर की जैसी रोटी थोड़ी बनेंगी, इसको देके आते हैं हम। कालू को कब से इंतजार कर रहा है वो भूरी, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, हाँ रोटी बाकी, गर्मा गर्म रोटियाँ, दादा क्या खिला रहे हो मेरे को ऐसा, आओ रोटी खाओगे, रोटी खाओगे तुम रोटी खाओगे, तुम रोटी खाओगे, रोटी खाओगे तुम, ये डाल दिया मैंने इसको इसके बर्तन में, इसके मुंह इसकी जीभ लबलबा रही है, अब खाएगा ये, खाओ ये देखो, आधे घंटे से रुकाता है ये, दूध पी लेगा मुझे लग रहा है, वो नहीं खाएगा ये, अच्छे से खाना है पूरा खाना उसको, अगर चावल बचे रोटी बचाई तो फिर देखना, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े यहाँ पे, खा लेना ठीक है मोटे, बाय। कोई भी दरवाजे पे आता ना उसको कभी भूखा नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, क्योंकि वो हमारे इतने घर हैं यहाँ पर इस कॉलोनी में, लेकिन हमारे घर के बाहर इसी उम्मीद से आया था कि हम उसको कुछ खिला देंगे, उसको भी पता था कि इस घर से मुझे मिल जाएगा, इसको श्योरिटी थी, और वो आधा घंटा रुका रहा, आधा घंटा यहाँ पे सिर्फ खाने का वेट करते हुए, है नहीं, देखते हैं। खा लो भैया, खा रहे पगला। तो हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे बहुत काम है, मुझे मार्केट भी जाना है, बहुत सारा काम है, सारा काम करने के बाद शाम को फिर जाएंगे घूमने के लिए, शाम को जाएंगे, अरे हम दोनों जाएंगे घूमने यार, अगर जाएंगे तो, वरना कोई नहीं जाएगा, हाँ घूमने वही वॉक, वो मैं क्या कह रही थी, उनकी कीवी लेने नहीं जाओगे, उनकी कीवी लेने तो जाना है, वही तो घूमना हो गया, यस ओके ओके ओके, चलो आप ब्रेकफास्ट बनाओ ठीक है, ब्रश कर लिया मैंने, नाश्ता भी ले आऊंगा ना साथ में खाएंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके नाश्ता करके अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और शायद दादा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि उसे और भी काम है। मम्मी नहा रही हैं और भाभी कर रहे हैं बर्तन साफ, दादा और मुझे नाश्ता करा दिया, ये तो भी खा नहीं रहे मेरे, तो भाई मैं तो स्किप नहीं करती ब्रेकफास्ट, आई नीड ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर करती हूँ। और आज भाभी के मायके से आने वाला है ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक मंडवा, और कल भी आए हैं, कल ये गए थे अपने दोस्त के घर, वहाँ संजू के घर गए थे, संजू हमारे ब्लॉग में पहले भी आ चुका है, भाई दूज के दिन आया था वो उस दिन, और वो लेके आए इसके घर से, आंटी ने मंडवा दिया है और इतने बड़े बड़े माल्टे देर के, और साथ में मूली भी दी थी, तो आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, आंटी हमेशा कुछ ना कुछ भेज देती है, हमको शर्मिंदा कर देती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और वो मंडवा इतना बेस्ट क्वालिटी का मंडवा है ना, बारीक दाने वाला है वो, बहुत अच्छा होता है, और जब से दादा आया है तब से एडिटिंग भी वही कर रहा है, तो आपको कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा होगा व्लॉग में। सो वी होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, कॉलेज आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता है, सो देखते हैं दिन भर क्या होता है, आपको देखेंगे दिखाएंगे, सो बने रहिए हमारे साथ। आज स्वाति जाने वाली है फहरान पहन के, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये, इसमें पहन रहे ठीक है, आज इसी को पहन के जा, आज पता नहीं क्या मना है इसको पहनने की, मैं कल कॉलेज के लिए पहनने वाली थी, बट भाभी ने बोला कि इधर के लिए बहुत लूज होगा, कल ले जाना कॉलेज पहन के, अभी कल तो साड़ी है, फिर शायद हमारी कैजुअल होने वाली है, मैं हाँ अभी मैं एक और लूंगी फहरान, दो फहरान ऑनलाइन नहीं मिलते यार ऐसे, ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते तो ये मैंने बताओ कहाँ से लिया था, मसूरी से, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, रुकिए पहन इसके अंदर से, ये ले यहाँ पर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी का वो पहनने की, चुप रहो, फहरान पहनने की है, हाउ डेयर यू, पजामा तो अपना ही पहन रही हो ना, पजामा हो कुछ हो, मेरी ये बीवी के कपड़े पहनने की वो नहीं होनी चाहिए तेरे को, पजामा तो अपना ही पहन, पजामा पहन अपना, ये उतार इसको,
आज मम्मी आज ये अजीब नहीं लग रहा तेरे को कपड़े? और इन तो अजीब लग, मेरी बीबी का ही उतारो। तो पजामा तो अपना ही पहन रही हूं। पजामा अपना हो चाहे किसी का, दिस इज माई वाइफ्स। ऐसे अंजू तेरा है, मैं तेरे लेकर आया हूँ, तू ऐसे किसी को क्यों दे सकती है? रोड में आता फिरता कोई भी तो दे देगी उसको। मम्मी मम्मी स्वाति को फहरान पहन के जा रही है हॉस्पिटल को। मम्मी उसको पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? मम्मी बता, मम्मी पापा की याद में बोल रही थी वो, पापा गांव गए तो पापा की याद आ रही मम्मी को, कुछ नहीं बोल रही है। बाप रे इतना घमंड है मम्मी, इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए इंसान ने तो। स्वाति उतार, वो ठीक है मेरी वाइफ का ही उतार। अरे भाभी बोले पजामे में मजा नहीं आ रहा। अरे हॉस्पिटल ही तो जाना है, छोड़ो। अरे तो मेरी मेरी वाइफ का है भाई ये, मैं भी तेरी बहन हूँ ना। चल उतार दूंगी। ठीक है पिघल गया मैं। यहाँ मैं पिघल गया। आज के बाद मत पहनना मेरी बीवी के कपड़े। हाँ मैं अपने कपड़े पहनती हूँ। इनके पास कपड़े हैं ही कहाँ, सब इसी के पहनती हैं क्योंकि okay. गरीब घर से बिलोंग करती हैं बेचारी, है नहीं उसके पास कुछ तो सब हम ही देते हैं बेचारी को। आज तक पाला पोसा हमने ही, नाली में मिली थी गिरी हुई हमको तो हम ही ने पाला पोसा है, है नहीं नाली में आप गिरे हुए। विदा ससुराल वाले विदा कहाँ करेंगे, विदा तो हम करेंगे तुझे। तुम करोगी क्या? ये करेगी विदा छोटू। हाइट देखो पहले अपनी, विदा करने लायक हाइट भी है तुम्हारी? वैसे ज्यादा फर्क नहीं तुम्हारी हाइट में यार। सावधान आज तो रोड में भी झाड़ू मार दे। ओ गुड 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 है नहीं? क्लियर कर दिया मैंने। तो आज इन्होंने जिम्मा उठा लिया ये फोटोज टांगने का। आप सारे फोटोज टांगोगे आज? हाँ बहुत पड़ी हुई है यहाँ पे। बहुत ऐसी भी कहाँ पे लगाना पड़ेगा? अब नहीं जा रहा। इसमें स्वाति की पुरानी फोटो है तो ये एक्टिंग करके दिखा रहे कैसे फोटो करना एक बार। और ये इसमें ऐसा करते पहले ऐसे करते थे। ठीक है बचपन में तो की है, ये अच्छी तो ऐसी फोटो खींच ले। हां खींच ले, अच्छी अच्छी लग रही है। लगा दे लगा बचपन में तो सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये हमारे रिसेप्शन की फोटो है स्वाति के कॉलेज की। अभी दो तीन और बच गए तो यहाँ पे बन गई हमारी गोथ की दाल। इसमें बस अब तड़का लगाना बाकी है। भात बन गया है, चटनी बन गई है, अब बस खाएंगे। और इनकी फोटोज़ भी लग चुकी हैं, कुछ कुछ लग चुकी हैं, कुछ का भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पर? दूसरा हुक लगा रहे। ये हमारी बुबू की फोटो है, मतलब बुद्धे ससुर जी के जवानी की फोटो। आर्टरी में हवलदार थे। भगत सिंह की तरह नहीं लग रहे आंखें? भगत सिंह ही तो है बुबू हमारे। आंखें देखना डिट्टो वैसी, आईब्रोज भी वैसी। तो मूंछें देख भगत सिंह की तरह। मैं भगत सिंह दा। और बाहर पे मैंने दो माल्टे डाले हैं को काट के भात में खाएंगे आज मस्त। स्वाति अपना काम करा के बिल्ली आए और हम अब तक हमने खाना भी नहीं बनाया। बन तो गया पर खाया नहीं, तेरे लिए वेट कर रहे थे। तुमने लेट कहाँ खाने गई? कहाँ गई तुम? तेरे बुबू घर। मेरे बुबू घर क्यों जा रही? जा रही। तो गाइस अब हम करेंगे भोजन, ऑथेंटिक पहाड़ी लंच। यस और आज मैंने ये पहना है फहरा में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। लग रहा है मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और बैठी घर पे हूँ, हॉस्पिटल से आ गई हूँ। और अब करते हैं खाना, आपको दिखाती हूँ। वाओ दिस इज माय फेवरेट। अब हमने गढ़वाली भौजी को कुमाऊनी बना दिया है ये खिला खिला के। पहले आपको अच्छा नहीं लगता था ना? एंड नाउ अच्छा अच्छा लगता है। अब अपने घर में मायके जाके खिलाना उनको। वो बनाते हैं बनाते हैं
गौत तो बनाते हैं। और ये दादा ने लगा दिए सारे फ्रेम, दिखा दिए होंगे ना। चल तो चलिए गाइस हम करते हैं क्या लंच। लंच और ये है बॉटल, ये भाभी की है, मेरी वाली पता नहीं कहाँ छुपा के रखी है, तेरे बैग में होगी नहीं तो निकाल दी हो तो मैंने कब का। इतनी जल्दी कैसे आए, ये भी आ गए अपना काम करवा के, और इतने जोर से नाक में लगी सुबह। ओहो कुछ लगवाया नहीं इस पे, मेडिकल स्टोर पे जाते यार, हमारे बॉडीज में एंटीबायोटिक्स खुद बन जाती हैं, खासतौर से मेरी बॉडी में। तो अगर मेरी बॉडी में एंटीबायोटिक्स खुद बन रही हैं तो व्हाई शुड आई प्रेफर दैट इंजेक्शंस, समझी? आई वाज मिसिंग यू, आई वाज मिसिंग यू टू, दैट्स व्हाई आई कम बैक। यस कम ऑन यू, तो आ जाओ खाना लेके मेरे लिए। शाबाश मेरी अर्धांगिनी, कितना ख्याल रखते हैं मेरा बच्चा। क्या ले, क्या बनाया आपने आज? अरे मैं चम्मच नहीं लाया, चम्मच भी लेके आओ यार। आज मम्मी ने बनाया है गौत की दाल, हाँ। मूली की थिचो, हाँ। भांग की चटनी मैंने बनाई, हाँ। भात आई, हाँ। भात भी मैंने बनाया, हाँ। और आपके लिए सैलेड है मूली का, ये सूखा गौत है, चलो खाओ। थैंक यू सो मच यार, बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे को पता है भूख भी नहीं लगी थी, तब भी जबरदस्ती बोला खाना खाना खाना। पहले टॉवल भी छाड़ दो इसमें, ऐसे कहीं गिर गिर जाएगा तो सही नहीं। न्यूज़पेपर लाते, टॉवल भी छाड़ दो नहीं। बहुत ख्याल रखते हो आप मेरा, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, मेरे को ऐसी वाइफ मिली। मम्मी पर पता हूं अपनी मां से ज्यादा ख्याल करते हो। नहीं मम्मी से ज्यादा रखती हो तुम, कहां रख रही हो, नीचे रखो उसमें पागल, गोद में खा बिचारी हो। चम्मच लेके आओ, जल्दी जाओ, फिर मैं इसमें खाना खाता हूं। चटनी और ना, हां नहीं बहुत है, आप बस चम्मच लेके आओ। भाई ऐसे तो अंदर ही अंदर नहीं आना चाहिए, पता है कैसे हो रहा। नाक भी फोड़ दिया आज, कितनी बार बोलोगे नाक फोड़ दिया, गंदा लग रहा है ना, गंदा इंसेंस की। मैं बाइक से करवा रहा था ना, हाँ। नाक में क्या होगा, वो सोच रहा है ना सारा बार आपके कहीं गिरा होगा तब देखिए। सब हम जा रहे हैं आज इवनिंग वॉक पे, आज अब पति देव भी कुछ दिनों की छुट्टी हो गई तो वॉक करके आ जाते हैं कुछ देर, एक घंटा। ये भी आ रहे हैं, वरना नहीं आते, बोलते सुबह चलो सुबह चलो, इतनी सुबह मन ही नहीं करता ठंड में उठने का आजकल। Going to Kadgariya. आज आप किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, खुद का नाक फोड़ के आ रहे हो। फूट गया नाक आज, सामान रख रहा था ऊपर से बल्ली गिर गई सीधे नाक के ऊपर, मेरे को तो लगा इसने सर फटता है, इसी जोर से नाक में लगी झन्न ही, मेरे को झन्न होती है हाँ। तो फिर मेरे को लगा बेटा अब तो गया, तो देखा तो यहाँ से खून, तो अच्छा हुआ थोड़े से ना हो गया मेरा काम, ज़्यादा होता तो फिर दिक्कत आती ना, टूटा नहीं, अच्छा हुआ ना। आज लंबी वॉक करके आएंगे, आज बुआ के यहाँ जाए, नहीं वैसे भी आप यार पहले मैं सब्जी भेजा किसके हाथ, कोई नहीं सब्जी लेके आएंगे, मैं बजा जाऊँगा उसके बाद साथी के साथ, हाँ फोन देने में फोन देना। आज पता नहीं कहाँ ले आए मुझे, जंगलों में घुमाते घुमाते थका दिया मुझे। जंगल दिख रहे हैं तेरे को, ये भाई जंगल थोड़ा है, ये भी तो जगह तो अच्छी है, शांति है कम से कम, मेन रोड से ज्यादा ही शांति है यहाँ, ऐसी पसंद है मुझे। यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं सामने, और इतना खुला खुला है इधर को। सो अभी सब्जी वब्जी बन रही है, और हम आ गए थे बॉक्सेस, मैंने और हम भी आ गए, और ये लोग गए थे बाजार, इनको एक सेकंड हैंड फोन चाहिए था, वो लेके आ गए। सेकंड हैंड नहीं लाया, मैं नया ही लेकर आ गया। नया? हाँ जो अभी नया है, भगवान कसम 40,000 रुपए का नया फोन लेकर आ गया मैं, वीवो का, हाँ 40,000 का नया फोन लेकर आ गया। पेमेंट इसने करी, तो सही हो गया भाई, नया फोन तो चाहिए ही मेरे को। फिर वो सेकंड हैंड वाला यूज कर लो, वो वाला कहाँ गया, कौन सा, वो ले ही नहीं गया, वन प्लस नहीं, अपना पर्सनल वन प्लस जेब में है। ओ तो दिमाग खराब हो गया, कहाँ से लिया छोड़ो, ये देखो कितने का पड़ा, ये 40,000 का पड़ा, जो ऑन नहीं हो रहा है तो तमीज से बताओ नया है क्या लिखा है, 5G, अरे नया फोन है भाई, ये देख ले, हाँ ये पैसे कहाँ से आए, साथ ने दिए, तेरे अकाउंट में थे इतने, जित करेक्ट इतने थे उतने पूरे डाल दिए इसने, बोले तनख्वाह तो आई जाएगी तेरा मेरी 10 तारीख को, इतनी अच्छी बहनी है, संत कह रहे थे बेचारे, संत कह, फाइनली
40 का तो नहीं है। मैं फोन मोन वहाँ देखने में लगाऊ, दुकानदार क्या बोला, भैया आपकी नाक में कैसे लगी है? क्या बोला? बोला भैया सामान डाला था ऊपर, फंटी गिर गई नाक के ऊपर, निकल लग गई। तो फिर उसने बहुत कुछ बताया, उसने सेकंड हैंड फोन दिखाया ना, 6,000 रुपए इतने सड़े हुए फोन मिल लेते हैं वहाँ पर, 6,000 रुपए में। भाई क्यों सेकंड हैंड फोन लेना, मैंने फर्स्ट हैंड ले लिया, ये पापा को दूंगा, पापा का मैं रख लूंगा, दैट इज आल्सो सेकंड हैंड फोन फॉर मी ना, वही तो खाली वैसे ही काम चलाऊ। ये तो अब क्या कहते हैं, आज हमने पूरे घर पे, मैंने मतलब पूरे घर में जितनी फोटोज थी आज वो फोटोज सारी लगा दी, जितनी भी पुरानी पड़ी थी, क्योंकि क्या रखना कि वो फोटोज ऐसे रखी थी, एक के ऊपर एक फोटो, एक के ऊपर एक फोटो वाली फ्रेम वाली, किसी के शीशे टूट जा रहे थे, किसी के टूट जा रहे थे कुछ, वो आज अंदर भी फोटो सारी लगा दी है, वो भी दिखा देना एक बार अंदर। और ये पापा का इसने बनाया था, अब यहाँ पर लिखना, यहाँ पर पता नहीं जेसीओ पे लिख दिया, चल कोई नहीं, पर इसको करेक्शन करना ठीक नहीं है, अब इसको लगाई देती है। यहाँ पर लिखो SM SM है पापा, है पता नहीं था मुझे, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको सीधे करके बस, वाह वाह। अब देख लगने का तरीका भी देखो, इतना प्यारा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, देख कितना अच्छा लग रहा है दीवार में। सो गाइस ये है फाइनली, और एक घोड़े की फोटो यहाँ पे लगा दी, घोड़ों की, दादाजी की फोटो, ये दादू, ये हमारे दादू है, दादू है हमारे, हमारे बूबू है। दुनिया एक तरफ और माँ की ममता एक तरफ, इसी का उदाहरण देती हुई मम्मी यहाँ पर, रात को 10 बज गए लेकिन मम्मी अभी भी थेचुआ, जो थेचुआ नहीं आई हुई है, थेचुआ है जो, थेचुआ वो कर रही है, थेचने में लगी है, क्योंकि सुबह मम्मी को 7 बजे के टाइम पर ये थेचुए की सब्जी बनानी है, मूली का थेचुआ। तो थोड़ी हेल्प करे हाँ, वो करने से अच्छा है तुम भी दांत दिखा रही, यहाँ पर हेल्प कर लो थोड़ा सा, हाँ तो वही कर रही है। हाँ क्या कर रही है, नीचे गिरा हुआ उठा रही है, बस तो क्या करूँ मैं। तो इसी के साथ गाइस करते हैं, इसके साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नई स्टोरी के साथ, नए कंटेंट के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय।